आज मैं जा रहा हूँ हरसारी शादी में सम्मिलित होने। महल चोरी से करीबन 1-1.5 किलोमीटर गैरसैंण की और परत रोड पे ही गांव पड़ता है। तो दगड़ियों, आज मैं जा रहा हूँ हरसारी शादी में सम्मिलित होने। महल चोरी से करीबन 1-1.5 किलोमीटर गैरसैंण की और परत रोड पे ही गांव पड़ता है। और मेरे साथ अभी जा रहे हैं प्रदीप भाई, तो वो अभी दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं। तो यहाँ से पहले हरसारी पहुँचना है, वहाँ पे लक्ष्मण और हमारे पहाड़ी पंकज दोनों कैमरामैन हैं। मेरा काम ड्रोन का है, लड़की की शादी है आज, तो आज ऐसा है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहीं पर जाना है। बारात आएगी, उसके बाद बारात को शूट स्टार्ट करना है। शादी का जो है फंक्शन दिखाएंगे आपको, और उसके बाद फिर जयमाला के बाद घर वापसी हो जाएगी। चलिए प्रदीप भाई को फ़ोन करता हूँ, मैं बुलाता हूँ उनको कि जल्दी चलते हैं। और समय 8:30 बज गए हैं, 9:30-10 बजे तक उम्मीद है कि हम वहाँ बारात घर में पहुँच जाएँ। अभी हल्दी शुरू होने वाली होगी कुछ देर। तो दगड़ियों, हरसारी तक का आपने टाइम लैप्स देखा। बाकी अभी ज़रा सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर दी है। एक्चुअली गाड़ी पार्क करने की बड़ी समस्या है, यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है। जस्ट मेरे पीछे हरसारी गांव है, एक पुल क्रॉस करना है हमने, पैदल पुल है, और हम बारात वाले घर के समीप पहुँच जाएंगे। तो गाड़ी हो गई है लॉक, वो सामने खड़े हैं हमारे प्रदीप भाई, और इस पुल को क्रॉस करके हमने जाना है सामने हरसारी गांव। उस साइड आ रही है गाने की आवाज़, मांगल गीत लगे हुए हैं फिलहाल। तो ये है हमारे प्रदीप भाई, और ये हमको एक और दगड़िया मिल गए हैं बारात जाने वाले। और यहाँ कहीं ऊपर पहुँचना है, ओहो पता नहीं, यहाँ ऊपर इन पेड़ों के बीच जाना है हमने, ना किले पछाड़े यार मैं। हाय, चलो तो बाटा जो है पूछ पूछ के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो ठीक। जंगला बीच में खतरनाक डाँ हो कि कोड़े दिखने वाला। चलो ये बाइक तो चल जाए पूरे पार ना, बाइक ले आई। अच्छा अच्छा, बढ़िया सिमटा वॉट बने दिल तो पूरा घूमे, बाइक घूम जाएल की। इतनी नज़दीक गाँव, यहाँ हम गाँव जाने जाने हमें कमर तोड़ देना।
कुछ पता नहीं भाई, पर हमारा गाँव कोई नामो निशान नहीं अभी जगह जगह पर आदिम तो वही तो क्या बोलन था। दगड़ियों जयमाला संपन्न हुआ और इसी के साथ मेरा ड्रोन का कार्य भी संपन्न होता है। चलिए अब मैं यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। रोड पे आ चुका हूँ मैं जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी हमने। बाकी शादी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद ये करता हूँ मैं। चलो फिर यहाँ से अब आपको मालकोट तक का सफ़र दिखाता हूँ मैं, और करते हैं यहाँ से यात्रा प्रारंभ।
तो दगड़ियों, मालकोट पहुंच चुका हूं मैं और अभी मैं कर रहा हूं स्कूली बालकों का इंतजार। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि इस समय 3:30 बज रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं कि शायद लाटू गेर के ग्राउंड में मैच खेलने जाना होगा। तो देखते हैं जैसा ही बनता है, अगर मैच खेलने जाएंगे तो वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं ब्लॉग को। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा ब्लॉग। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।